भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चौंका दिया है डिंपल यादव और अखिलेश यादव को। कहां तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि हार के बाद निरहुआ चुपचाप घर बैठ जाएंगे और फिर कभी आजमगढ़ का रुख नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, निरहुआ सीधे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने भाजपा के छोटे से लेकर बड़े राजनेताओं से मिले, उनसे गुर सीखा कि आगे आजमगढ़ में किस तरह से विकास करना है, किस तरह से जमीनी तौर पर वो कार्रवाई करे कि आगे आने वाले चुनाव में पार्टी के नाम पर वो अधिक से अधिक वोट बटोर सके। वैसे आपको बता दें कि कई ऐसी फिल्में हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की जिसे उन्होंने साइनिंग अमाउंट तक वापस कर दिया है सिर्फ आजमगढ़ में रहकर वहां काम करने के लिए। जी हां, जिन जिन फिल्मों को उन्होंने साइन किया है उन्हीं फिल्मों में काम कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और बाकी की नई फिल्में भी साइन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो आजमगढ़ में कई सुधार करना चाहते हैं और नित नए विकास के नए आयाम गढ़ना चाहते हैं। इसीलिए तो आजमगढ़ आने से पहले उन्होंने स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, अश्विनी चौबे जैसे कई दिग्गज भाजपा के नेताओं से मिलकर उनसे ये ज्ञान लिया कि राजनीति में अब किस तरह से आगे बढ़ना है। और शायद सभी ने उन्हें यही ज्ञान दिया, कॉन्सेंट्रेशन करो अपने संसदीय क्षेत्र पर और फिर तुम्हारा काम ही तुम्हें जनता की नजर में उठाएगा। जितना ज्यादा विकास होगा आप जनता के उतने भरोसे के काबिल बनेंगे। शायद यही सब कुछ सोचकर दिनेश लाल यादव निरहुआ अब आजमगढ़ का रुख कर चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा जनता की परेशानियों को सुनने में और उनकी समस्या को समाधान करने में जुट गए हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।